हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित एंड वेलकम टू रेडिक वेलकम टू टेक न्यूज नंबर 6। इस वीडियो में मैं आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट्स और जो भी मोबाइल लॉन्च होते हैं उसके स्पेसिफिकेशन और उसके फीचर्स बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टेक न्यूज नंबर 6। बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की जो आ रही है, जो सैमसंग गैलेक्सी J5 प्राइम की। ये सैमसंग गैलेक्सी J5 2016 का अपडेटेड वर्जन है। सैमसंग गैलेक्सी J5 प्राइम की प्राइस की बात करो तो ये आपको 15,000 रुपये में मिलेगा, जो कि सितंबर एंड से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मोबाइल आपको दो कलर में मिलेगा, एक ब्लैक एंड गोल्ड। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 5 इंच की HD डिस्प्ले मिल जाती है, 1.4 GHz पे क्वाड कोर प्रोसेसर, 2 GB रैम, 16 GB इनबिल्ट स्टोरेज, अप टू 56 GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हो, 13+8 का कैमरा, 2400mAh की बैटरी और बाकी के सभी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे 4G LTE, ब्लूटूथ, वाईफाई, USB 2.0, 3.5mm जैक और होम बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और जो दूसरा मॉडल है उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम। ये भी वैसे ही J7 2016 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, सबसे पहले प्राइस की बात करूँ, ये आपको 19,000 रुपये तक मिलेगा और ये मिलना स्टार्ट हो गया। और इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें 1.6 GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर मिल जाता है, 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, 256 GB तक आप एक्सटर्नल स्टोरेज बढ़ा सकते हो, 13+8 का कैमरा मिल जाता है इसमें, 3300mAh की बैटरी, एंड्रॉयड 6.0 और बाकी के सभी फीचर जैसे 4G LTE, ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS वगैरह सभी फीचर्स मिल जाते हैं। एंड्रॉयड 6.0 दोनों मॉडल में मिल जाता है। अगले न्यूज़ की बात करूँ तो लिनोवो का जो Z2+ वो जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मीडिया में इन्वाइट भेज दिया गया है 22 सितंबर को दिल्ली में इसका लॉन्च इवेंट होने वाला है। इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, 2.15 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर जिसमें स्नैपड्रैगन का 820 लेटेस्ट प्रोसेसर है वो मिल जाता है, एड्रीनो का 530 GPU मिल जाता है, 13+8 का कैमरा जिसमें कैमरे में बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज और फ्रंट में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3500mAh की बैटरी, बाकी के सभी फीचर्स मिल जाते हैं जैसे 4G LTE, वाईफाई वगैरह जो सभी फीचर्स है, एंड्रॉयड 6.0 मिल जाता है। और अगले न्यूज़ की बात करूँ तो वीडियोकॉन ने अपना एक फ़ोन अपनी साइट पे लिस्टेड किया है जिसका नाम है Q1V500K, बहुत ही लंबा नाम हो जाता है। ये मोबाइल का मेन उन्होंने खास स्पेसिफिकेशन बताया कि इसमें ड्यूल व्हाट्सअप सपोर्ट कर सकता है, अब 2 WhatsApp चला सकते, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। आप आजकल कोई भी क्लोन ऐप्स करके आते हैं उसमें आप कोई भी सोशल मीडिया के दो ऐप्स चला सकते हो, यानी 2 अकाउंट चला सकते हो। इस मोबाइल के प्राइस के बारे में तो कंपनी ने कुछ नहीं बताया, बस इसकी स्पेसिफिकेशन और इसका जो ड्यूल व्हाट्सएप फीचर्स है वो ही बताया। तो अगर इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको 5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, 1.5 GHz का क्वालकॉम का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 615 प्रोसेसर है, 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल स्टोरेज, 13+8 का कैमरा मिल जाता है, एंड्रॉयड 6.0, 4G LTE, बाकी के सभी जो भी फीचर्स है वो सभी फीचर्स मिल जाते हैं। बस इसका जो मेन हाइक यानी मेन स्पेसिफिकेशन था वो था इसका ड्यूल व्हाट्सएप, बस इतना ही बताना था और इससे आगे तो बता नहीं सकते। अगली न्यूज आ रही है शाओमी की तरफ से, जो शाओमी का MI 5S उसका एक टीजर लॉन्च किया जिसके हिसाब से पता चल रहा है कि वो चाइना में बीजिंग में जल्दी लॉन्च होने वाला है। जो टीज़र है उसका जो इमेज आपको ऊपर मिल जाएगा उससे पता चलता है उसमें एक बड़ा एस दिखाया गया है और नीचे लॉन्च डेट लिखा गया है, जिसके हिसाब से पता चलता है कि 27 सितंबर को लॉन्च कर सकते हैं जो MI 5S है। और जो MI 5S की लीक न्यूज़, जो पिछली लीक न्यूज़ है उसके सबसे अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ मैं तो इसमें आपको 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, 64 बिट पे क्वाड कोर स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है 821 वो मिल सकता है, एड्रिनो का 530 GPU मिल जाएगा, 6 GB रैम, जी हाँ 6 GB रैम और 256 GB तक आप इसमें इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। इसमें ड्यूल कैमरा सेटअप हो सकता है जो कि 16 MP का रियर कैमरा और 4 MP का फ्रंट कैमरा हो सकता है, 3500mAh की बैटरी हो सकती है इसमें, बाकी की सभी फीचर जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर, 4G LTE, ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS वगैरह सभी फीचर्स मिल सकते हैं। अभी देखते हैं, ये तो लीक न्यूज़ है, इसमें आगे पीछे कुछ चेंजेस हो सकते हैं जब लॉन्च होता है 27 सितंबर को। अभी कितना दिन बचा है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, कम से कम 7-8 दिन बचा है,
पता चल जाएगा क्या आता है। आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस जो कि एप्पल ने कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था, उसमें उसने उसकी रैम और बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। आईटी फिक्सिट ने आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस का टेयर डाउन जारी किया, जिससे पता चलता है कि आईफोन 7 में सैमसंग और आईफोन 7 प्लस में भी दोनों में सैमसंग के रैम यूज़ किए गए। जो आईफोन 7 है उसमें सैमसंग का LPDDR4 रैम जो कि 2GB रैम है वो यूज़ किया गया है और 1960mAh की बैटरी दी गई है। और जो आईफोन 7 प्लस है उसमें सैमसंग का ही 3GB रैम जो कि LPDDR4 का रैम है वो यूज़ किया गया है और 2900mAh की बैटरी यूज़ की गई है। बस यही न्यूज़ थी। जो अगली न्यूज़ है वो ऑफर्स और न्यूज़ दोनों एक ही तरफ से है। जैसे कि एली इको ने अपनी सुपर फैन फेस्टिवल में आज के 12 बजे तक एक ऑफ़र रखा है, जिसमें एली टू मैक्स और एली वन एस इको इसमें कुछ अच्छे खासे ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं। अगर आप एली मॉल और फ्लिपकार्ट से अगर फ़ोन को बाय करते हो तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट और ऑफ़र मिलेंगे। जैसे कि एली टू मैक्स में आपको 3000 रुपये तक डिस्काउंट मिल सकते हैं और बहुत से ऑफ़र भी मिल जाते हैं। और जो एली वन एस इको इसमें आपको 1000 रुपये तक डिस्काउंट और इसमें भी कुछ अच्छे खासे ऑफर्स मिल जाते हैं। ये आज के ऑफर्स और डील में मैंने इस न्यूज़ को भी दे दिया। अगर आपको आज का न्यूज़ पसंद आया हो और आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।